नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। प्लास्टिक को लेकर सरकार हमेशा ही बैन करती है और बोलती है कि प्लास्टिक यूज ना करें, अपना थैला लाएं, चाहे वो कपड़ा का हो या चाहे वो कागज का हो, लेकिन प्लास्टिक आप यूज ना करें। प्लास्टिक देश और दुनिया के लिए एक चुनौती बन गया है। प्लास्टिक से कई सारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं लोगों को। अगर प्लास्टिक जलाया जाए तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, उससे नई नई बीमारियां होती हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन एक 22 साल की लड़की ने निकाला है। वो लड़की प्लास्टिक बैग से एम्ब्रॉयडरी बनाती है, एम्ब्रॉयडरी में उन्होंने बदल दिया है। और क्या कुछ इस लड़की ने किया है, चलिए हम आपको विस्तार से बनाते हैं। और इस लड़की की इन दिनों खूब ज़्यादा तारीफ हो रही है। प्लास्टिक वेस्ट दुनिया के लिए एक समस्या है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। देश के 25 राज्यों में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, इसके बावजूद करीब 35,000 टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCP की रिपोर्ट यह बताती है कि आने वाले कुछ सालों में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है। इस स्थिति से निपटने की जरूरत है। इसी सोच के साथ 22 साल की सारा लखानी ने अपने कदम बढ़ाए हैं। वो प्लास्टिक को खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी में बदलने के मिशन पर है। बेस्ट पॉलिथीन बैग से सारा लखानी धागा बनाती है, फिर इसका इस्तेमाल कांथा एम्ब्रॉयडरी में होता है। यह एम्ब्रॉयडरी की खास तरह से पारंपरिक शैली है। सारा परेशान होने के बजाय समाधान तलाशने में भरोसा रखती है। प्लास्टिक वेस्ट से बनी उनकी क्लोदिंग लाइन ने पिछले साल लैक्मे फैशन वीक में जगह बनाई। यह उनके लिए यादगार लम्हा था। आगे सारा बताती है कि महाराष्ट्र के छोटे से शहर गढ़चिरौली की रहने वाली है, यह नागपुर के करीब है। उन्होंने प्लास्टिक कचरे को खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी में बदलने का बीड़ा उठाया है। वह इसमें सफल भी हो रही है। पिछले साल हुए लैक्मे फैशन वीक में उनका लेटेस्ट कलेक्शन ट्रेस आर ट्रेंजर शोकेस किया गया। इस कलेक्शन को बनाने में 200 से ज्यादा पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल किया गया था। 22 साल के सारा को बचपन से प्राकृतिक और पेड़ों से खास लगाव है। उनके पिता फार्मास्यूटिकल्स फील्ड से जुड़े थे, इसी का उनका बिजनेस था। तब सारा ने देखा कि इस इकलौती फील्ड में ही कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। उन्हें एहसास हुआ कि यह पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाता है। जब अपने कपड़ों के कलेक्शन के लिए डिजाइनिंग की बारी आई तो सारा को साफ आइडिया था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने एम्ब्रॉयडरी के कई तरीकों पर प्रयोग किया, फिर अंत में पाया कि कांथा सबसे उपयुक्त है। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल हो सकता था। उन्होंने एम्ब्रॉयडरों के साथ घंटों समय बिताया। शुरू में उन्हें इसके कारीगर भी नहीं मिलते थे, वो खुद ही कई कई घंटे काम किया करती थी। ऐसे एक पीस को तैयार करने में कम से कम 15 दिन का समय लग जाता था। यह काम बहुत बारीक होता है। आगे आपको बताएं कि सारा बोलती हैं कि सारा चाहती हैं कि उनकी पीढ़ी के लोग समझें कि कैसे हमारी एक्टिविटीज़ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे समय में ज़्यादा टिकाऊ होना कितना ज़रूरी है। उनकी इच्छा है कि वह फैशन की फील्ड में और चीज़ों को खोजें, इसका पता लगाएं कि देश में फैशनेबल कपड़े कैसे ज़्यादा टिकाऊ और इको फ्रेंडली बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ने सारा ने पूरा समाधान ही निकाल दिया कि प्लास्टिक यूज़ जो करते हैं उनको अब किस प्रकार से वो अपना प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, अब किन किन चीज़ों को लेकर सारा और भी अपडेट करते जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल सारा ने प्लास्टिक का सॉल्यूशन तो निकाल दिया और उन्होंने और लोगों को ये इंस्पायर भी किया है कि आप इको फ्रेंडली बने, आप प्राकृतिक से जुड़े। और ख़ास करके युवाओं को ये शिक्षा जरूर दी है सारा ने, क्योंकि वो युवा खास करके ये गलती कर बैठते हैं फैशन के चक्कर में, वो आज क्या कुछ नहीं कर बैठते हैं। लेकिन सारा बताती है कि प्राकृतिक से जुड़ा रहे, आने वाला भविष्य में प्लास्टिक बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे जीवन के लिए। अभी तो फिलहाल खतरनाक है ही, आने वाले समय में और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियो और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।